Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today I am discussing the solution of question paper of introductory MME BA Economics Honours Semester 1 Delhi University UGCF का course launch हुआ था last year और 2023 इस year में उसका exam हुआ था, पहला exam 2nd March को हुआ था ये paper. अब वो क्वेश्चन ना पेपर आपके साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्कस करना. तो देखिए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. अब हमारे लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हम तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एग्जाम में ऑब्वियसली आपको पढ़ना होता है, फिलहाल मैं सब करूँगा. पहले ए पार्ट की बात करते हैं. ए पार्ट के अंदर भी दो क्वेश्चन हैं. फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी. एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस फाइव इज लेस देन जीरो. देखिए, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस फाइव इज लेस देन जीरो. आप जानते हैं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव कब हो सकता है? दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव तब हो सकता है जब उन दोनों में से कोई एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव. इसका मतलब ये है कि इधर फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव और फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव. एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस टू इज पॉजिटिव एंड एक्स प्लस फाइव इज नेगेटिव, और एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस टू इज नेगेटिव एंड एक्स प्लस फाइव इज पॉजिटिव. यानी फर्स्ट को पहले बोला पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, या फिर फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव. This means absolute of x is more than 2 and x is less than minus 5, or absolute of x is less than 2 and x is more than minus 5. देखिए, x absolute क्या करता है? अगर input negative number होगा तो answer positive आएगा, input positive होगा तो answer तब भी positive आएगा. पहले positive सोचते हैं. एब्सोल्यूट एक्स टू से बड़ा कब हो सकता है? अगर नंबर टू से बड़ा हो इनपुट तो उसका एब्सोल्यूट टू से बड़ा ही आएगा. लेकिन अगर नंबर माइनस टू से छोटा हो, जैसे माइनस टू पॉइंट वन का एब्सोल्यूट क्या होगा? 2.1, वो टू से बड़ा आ जाएगा. तो यानी इधर द नंबर इज लेस देन माइनस टू और इट इज मोर देन टू. दिस मीन्स एक्स इज लेस देन माइनस टू और एक्स इज मोर देन टू एंड x is less than minus 5. और अब इधर देखिए, एब्सोल्यूट x जो है वो 2 से छोटा कब हो सकता है? अगर x माइनस टू से 2 के बीच में हो तो. इसका मतलब x is more than minus 2, less than 2 and x more than minus 5. थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे आपको. देखिए, आप इनको हमें, क्योंकि और कंडीशन है, वन बाय वन रिलेट करना होगा. पहले इसको ऐसे रिलेट करते हैं, एक्स लेस देन माइनस टू एंड एक्स लेस देन माइनस फाइव और एक्स मोर देन टू एंड एक्स लेस देन माइनस फाइव. और अब इनमें देखिए कुछ कॉमन है क्या? एक्स माइनस फाइव से बड़ा है और माइनस टू से टू के बीच में. अगर माइनस टू से टू के बीच में होगा नंबर तो माइनस फाइव से बड़ा होगा ही. तो हमें कॉमन क्या आ रहा है? एक्स लाई बिटवीन माइनस टू टू टू. इन दोनों में देखिए व्हाट इज कॉमन? एक्स लेस देन माइनस टू, एक्स लेस देन माइनस फाइव. जब दोनों लेस देन होते हैं तो हम छोटे नंबर को कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर एक्स माइनस फाइव से छोटा होगा तो सर्टेनली माइनस टू से छोटा ज़रूर होगा. लेकिन अगर एक्स माइनस टू से छोटा हो तो ज़रूरी नहीं है माइनस फाइव छोटा हो. जैसे माइनस थ्री, माइनस थ्री इज लेस देन माइनस टू बट इट इज नॉट लेस देन माइनस फाइव. तो कॉमन क्या है इन दोनों में? एक्स लेस देन माइनस फाइव. एक्स मोर देन टू एंड लेस देन माइनस फाइव, कुछ भी नहीं है इनमें. तो अगर टू से बड़ा होगा तो माइनस फाइव से छोटा नहीं हो सकता, माइनस फाइव छोटा होगा टू से बड़ा नहीं हो सकता. तो ये हो गया नल सेट. और नल सेट और एक्स बिटवीन माइनस टू टू टू, तो यानी यूनियन में क्या होता है? ए यूनियन फाइव ए ही हो जाता है. तो यानी x belongs to less than minus 5 मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस फाइव, और मतलब यूनियन. अब क्योंकि इन्फिनिटी
नल सेट है, नल सेट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ए यूनियन नल सेट इज ए ओनली. यूनियन क्या हो गया, माइनस टू टू टू. तो दिस इज द आंसर. एक्स जो है वो या तो होगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फाइव और इट विल लाई बिटवीन माइनस टू टू टू. ठीक है, आप इसको नंबर लाइन पे भी प्रेजेंट कीजिए. मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन आपके लिए प्रेजेंट करता हूँ. देखिए नंबर लाइन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं. दिस इज ज़ीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स. वन टू थ्री. एक्स कहाँ लाए करता है सर, आपको आपको डार्क करना है. मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, आपको डार्क करना है. माइनस टू से टू के बीच में है तो माइनस टू पे एक हॉलो सर्कल, टू पर भी एक हॉलो सर्कल. हॉलो इसलिए कि ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं हैं और इनके बीच की लाइन को आप हाईलाइट कर देंगे. मैं कलर चेंज कर रहा हूँ. फिर वो बोल रहा है लेस देन माइनस फाइव, तो माइनस फाइव पे हॉलो सर्कल और उसके लेफ्ट साइड की लाइन को आप हाईलाइट कर देंगे. ठीक है, इट गोज अप टू माइनस इन्फिनिटी. तो ये आपका ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन हो गया. डन, फर्स्ट पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट हो गया जी. अब सेकंड पार्ट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स. अभी सेट्स में से है ये दोनों टॉपिक्स जो है फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में से ही है बेसिकली. ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग फोर एंड सेवन एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली. यानी ए में फोर एलिमेंट्स हैं, बी में सेवन है. लिख लेता हूँ यहाँ पे अपने पास वन ए सेकेंड पार्ट. एन ए हैज फोर एलिमेंट्स एंड बी हैज सेवन एलिमेंट्स. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, ये देखते हैं. आप जानते हैं एन ए यूनियन बी क्या होता है. एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी. अब ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये मैक्सिमम तब होगा जब आप इसमें से जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ज़ीरो हैं. फॉर एन ए यूनियन बी टू बी मैक्सिमम, एन ऑफ ए, मैंने दोनों जगह यूनियन लिख दी गलती से, सॉरी. एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, एन ऑफ ए एंड बी. तो ए एंड बी हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, ज़ीरो. मैक्सिमम तब होगा यूनियन बी अगर जो हम माइनस करें नंबर वो क्या हो, ज़ीरो हो. फॉर एन ए यूनियन बी टू बी मैक्सिमम, एन ऑफ ए एंड बी इज ज़ीरो. ठीक है, तो अगर ये ज़ीरो होगा तो एन ए यूनियन बी क्या होगा, देयर फोर मैक्सिमम एन ए यूनियन बी इज फोर प्लस सेवन यानी इलेवन. यानी उसमें मैक्सिमम इलेवन एलिमेंट्स हो सकते हैं. अब ये मिनिमम कब होगा, जब एन ए इंटरसेक्शन बी जो आप सब्ट्रैक्ट करें वो हाईएस्ट हो. फॉर एन ए यूनियन बी टू बी मिनिमम, एन ए इंटरसेक्शन बी हैज टू बी मैक्सिमम. और ये मैक्सिमम क्या होगा, जब दोनों में सबसे ज़्यादा वैल्यूज कॉमन हो. यानी ए छोटा है ना, ए पूरा का पूरा बी के अंदर लाई करता हूँ, कितना मैक्सिमम होगा, व्हेन ए कम्प्लीटली लाई बिटवीन बी. ठीक है, दैट इज एन ए एंड बी इज इक्वल टू एन ए यानी फोर. क्योंकि देखो एन ए एंड बी एन ए से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है. कॉमन वैल्यूज किसी ए और बी में जो कॉमन है वो छोटे नंबर से बड़ी तो हो नहीं सकती, राइट. तो मिनिमम क्या होगा, देखो मिनिमम एन ए यूनियन बी होगा फोर प्लस सेवन माइनस फोर यानी कि सेवन. मिनिमम इसमें फोर सेवन एलिमेंट ज़रूर होंगे और मैक्सिमम इसमें इलेवन एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो यानी एन ए यूनियन बी में हमेशा फोर से इलेवन के बीच में होंगे. यानी एन ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन, लेस देन इक्वल टू इलेवन. हमेशा ये सेवन या सेवन से ज़्यादा होगा, इलेवन या इलेवन से कम होगा. दो एक्सट्रीम्स है, सेवन और एक इलेवन. सेवन तब होगा
जब ए और बी के, ए के सारे एलिमेंट्स बी के साथ कॉमन है, सारे के सारे, ए छोटा है ना इसलिए सारे एलिमेंट्स बी के साथ कॉमन है, और ये मैक्सिमम यानी 11 तब होगा जब ए और बी में एक भी वैल्यू कॉमन ना हो और वो दोनों डिस्टिंक्ट सेट्स हो, डिसजॉइंट सेट्स बोल सकते हैं उनको, डिसजॉइंट सेट्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम के लिए क्या होगा, ए एन ए एंड बी जीरो, यानी लिख सकते हैं दैट इज ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कैसे बनते हैं, वेन डायग्राम अगर आपको याद हो तो उनमें कुछ कॉमन नहीं होता, ये ए है ये बी है, दे हैव नथिंग इन कॉमन, कुछ कॉमन नहीं होता। क्लियर हो गई बात इतनी आप लोग को, राइट? तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट अभी आपके साथ कर दिया है, फिर इसके बाद बी पार्ट पे चलेंगे, फिर सी पार्ट पे चलेंगे, वन बाय वन हम लोग आगे चलेंगे। होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं, कोई क्वेरी आपके मन में हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं, राइट? ओके, थैंक यू।